जी मैम, क्या हुआ? बड़ी जल्दी है भाई, तुझे तो रॉन्ग साइड कार चला रहा है और ऊपर से सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखा। वो मैम मैं बस भूल गया था, वो लगा लेता हूँ मैम मैं अब, कोई नहीं, मैं भूल गया था ना गलती से। तो लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस? हाँ ये लीजिए मैम। लाइसेंस पे तो अंकिता तिवारी लिखा हुआ है, ये तुम्हारी लाइसेंस नहीं है। दरअसल मेरी वाइफ का लाइसेंस है। गाड़ी तो तुम चला रहे हो और लाइसेंस अपनी वाइफ की दिखा रहे हो, तो गाड़ी उसे चलाने दो ना। अरे मैम कैसी बातें कर रहे हैं, ये गाड़ी कैसे चला सकती है, इसको तो गाड़ी चलानी आती नहीं है ना, तो इसी वजह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा तुझे मैं पागल दिख रही हूँ? लाइसेंस उसके नाम से है और तू कह रहा है उसे गाड़ी चलाने नहीं आती है। अगर गाड़ी चलाने नहीं आती है तो लाइसेंस कैसे बनी? अरे मैम ये लाइसेंस तो ऐसे बन जाते हैं, बस दलाल को 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए देने होते हैं और वो हमारे घर दे के जाता है लाइसेंस। लाइसेंस बनवाना कोई ज्यादा मुश्किल काम थोड़े ना है, बहुत आसान है। ऐसा कुछ नहीं मैम, मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छी तरीके से आती है और मैंने ड्राइविंग पास करके तब ये लाइसेंस बनवाया है। जब इसे ड्राइविंग आती है तो तुम इसे कार ड्राइव करने क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसा है तुम बाहर निकलो और मैडम आप ड्राइविंग सीट पे बैठिए। मैडम यहाँ से सीधे जाओ, आगे से यू टर्न लेना, मैं वहीं चौराहे पे आपको मिलूंगी। क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी बीवी को ड्राइविंग नहीं आती, ये तो तुमसे बेहतर ड्राइविंग करके दिखा दी। सही सलामत तो हो ना, चोट वोट तो नहीं लगी? जी नहीं, चोट तो नहीं लगी। और देखो बकायदे इसने रूल के साथ ड्राइव किया, तुम तो बेल्ट भी नहीं लगाए थे। ठीक है मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, सीट बेल्ट लगा लिया करूंगा और लाइसेंस अपना लेके निकला करूंगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इन सब चीजों का। ओके ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आगे से अपना लाइसेंस लेके चलोगे। और हाँ एक बात ध्यान से सुनो, कभी भी किसी लड़की को ना कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये मर्द जात होते ही ऐसे हैं, खुद तो आगे बढ़ना पसंद करते हैं लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनकी बहनें उनकी बीवी उनसे आगे बढ़े। ये सोच सोच की बात होती है, अगर सोच अपनी अच्छी रखोगे ना तो सारे लोग आगे बढ़ेंगे और नॉलेज सबके पास होना चाहिए। और देखो इसको कितनी बेहतर ड्राइविंग आती है, प्रूफ कर दी तुमसे भी बेहतर, बकायदे रूल के साथ इसने कार को ड्राइव किया है। और किस जमाने में जी रहे हो, लड़कियां कहां से कहां तक पहुंच गई है, इसलिए कभी भी किसी लड़की को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुम्हारे सामने खुद एक पुलिस ऑफिसर भी लड़की है, अगर हमारे माँ बाप भी मुझे नहीं पढ़ाते तो मैं आज पुलिस ऑफिसर नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और हाँ अपनी बीवी को कमजोर मत समझना, उसका सपोर्ट करना, अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा? एक पत्नी का जो सबसे बड़ा सपोर्टर होता है ना वो पति ही होता है। और हाँ अब मैं चलती हूँ। सुनो ये लो मैडम,